कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज बहुत ही खुशी का दिन है, 25 साल आपके सोसाइटी को पूरे हुए हैं। इस कार्यक्रम में आज आपके बीच में शरीक होके मुझे बेहद खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सोसाइटी के जितने ऑफिस बेयरर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया गया, मुझे बुलाया गया और मुझे इतनी इज्जत बख्शी गई, इतनी प्यार मोहब्बत दी गई। 2.5 साल पहले आप लोगों ने खूब जम के वोट देके हमें जिम्मेदारी दी थी और मुझे आज 2.5 साल के बाद कहते हुए खुशी है कि इन 2.5 साल में रात दिन 24 घंटे आप सब लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। 2.5 साल वैसे तो बहुत कम होते हैं किसी भी सरकार के लिए, लेकिन 2.5 सालों के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 4 चीजों के ऊपर हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि जितना काम दिल्ली के अंदर हुआ उतना काम आज तक कभी नहीं किया गया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं पता नहीं चलता, लेकिन आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है। और जब मैं सस्ती बोलता हूं तो मार्जिनल सस्ती नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली में आपका बिजली का बिल आता है 1280 रुपए, अहमदाबाद में, बेंगलोर में आपका बिजली का बिल आता है 2800 रुपए, और खान साहब बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजली का बिल आता है 4000 रुपए और दिल्ली में आता है 1280 रुपए। इतना ज्यादा डिफरेंस है दिल्ली के और बाकी देश के बिजली के रेट्स में। पिछले 3 साल से जब से हमारी सरकार है, दिल्ली में बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ने दिए, उल्टा बिजली के रेट जो थे वो आधे किए गए हैं। आगे आने वाले 2.5 साल के अंदर भी बहुत सारे प्लान्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो CCTV कैमरे अब बहुत जल्दी लगने वाले हैं, उनके टेंडर हो चुके हैं। इसमें RWS को हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर यूज करेंगे। हम जहाँ जहाँ CCTV कैमरे लगाएंगे उनको आपको हैंड ओवर करेंगे, जहाँ आप कहेंगे वहीं लगाए जाएंगे, जितने आप कहेंगे वहाँ लगाए जाएंगे। इससे मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा को और खास तौर से विमेन सिक्योरिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इट विल बी वेरी गुड, इसकी बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन जो भी करेंगे जनता के साथ मिलके करेंगे, आपके साथ मिलके करेंगे। मैं आप ही में से एक हूं, अभी तक थोड़े दिन पहले यहाँ सामने आपके कौशाम्बी है वहीं रहा करता था, और ऊपर वाले की कुछ कृपा हुई, आप लोगों की प्यार और मोहब्बत थी कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। तो अभी आने वाले 2.5 साल के अंदर और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आप सब लोगों के साथ मिलके करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या क्या नहीं कर सकते, खूब चमत्कार कर सकते हैं और जरूर होगा। अड़चने बहुत हैं, आप लोग देखते हो बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि किसकी क्या पावर है यही क्लियर नहीं है, और बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि दिल्ली सरकार की कितनी पावर होनी चाहिए, LG साहब की कितनी पावर होनी चाहिए। आप लोग रोज थोड़ी दुआ करना सुबह उठ के भगवान से कि हमें पावर थोड़ी वापस मिले ताकि हम आपके लिए और सेवा कर सकें। आज आप लोगों ने अपने बीच में बुलाया, इज्जत बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।